आज हम बनाने वाले हैं देसी करेले की सब्जी। इसको सबसे पहले पानी में धो लेंगे और इसे लंबा लंबा काट लेंगे। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कड़वा भी होता है साथ साथ। ये सारे करेले काट लिए हैं हमने, अब इसे फ्राई करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा लेंगे, तेल डालेंगे, जितना आपको लगे आप उतना यूज करना। यहां डालेंगे सरसों, एक चम्मच जीरा डाल देंगे, प्याज ऐड करेंगे लंबा लंबा काट कर, और थोड़ा सा हींग डालेंगे। चम्मच चला लेंगे, यहाँ पे डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने चार हरी मिर्ची को बारीक काट लिया है, वो डाल देंगे। यहाँ पे एक चम्मच हल्दी पाउडर, छोटा चम्मच डालेंगे। यहाँ पे एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। चम्मच चला लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे मैं एक टमाटर ऐड करूंगी। यहाँ पे एक चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर रही हूं मैं। अब जो करेले काटे थे हमने वो डाल देंगे। सबको एक साथ कर लेंगे। अब इस पे एक चम्मच नमक ऐड करेंगे ताकि करेले अच्छे से पक जाएंगे। ढक्कन ढक लेंगे 5 मिनट के लिए। चेक करते हैं, देखिए करेले अच्छे से पक गए हैं। यहां पर मैं एक छोटा चम्मच गुड़ ऐड कर रही हूं ताकि इसका कड़वापन निकल जाए। वैसे इसका कड़वापन तो जाता नहीं है, लेकिन इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। देखो अच्छे से पक गया है सब्जी। अब इसमें एक चम्मच मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूं और थोड़ा सा हरा धनिया। ये हमारी सिंपल सी सब्जी बनकर तैयार है। अगर आपको ये सब्जी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।